अब खबर राजस्थान के डूंगरपुर जिले से है, जहां कॉलेज की छात्रा से छेड़छाड़ को लेकर जिले में हुए बवाल के बाद अब हालात काबू में है। पुलिस ने प्रभावित क्षेत्र में धारा 144 लगा दी है, तो संभागीय आयुक्त और आईजी के नेतृत्व में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस ने बताया कि गांव में अब स्थिति नियंत्रण में है। मामले में दो पक्षों की ओर से अलग अलग रिपोर्ट दी गई है और साथ ही पुलिस ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। आसपुर में कल की घटना के बाद प्रशासन और पुलिस ने पूरी सावचेती के साथ सारी कार्रवाइयां कर ली हैं। जो भी बदमाशान थे जिन्होंने कल की घटना में जो FIR दर्ज हुई, नामजद आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सुबह से पूरे क्षेत्र में शांति एकदम बनी हुई है, किसी भी प्रकार का कोई सांप्रदायिक तनाव की स्थिति अभी नहीं है। जिला प्रशासन और पुलिस ने मिल करके सारी तैयारियाँ अतिरिक्त सतर्कता के साथ कर ली हैं। किसी भी धार्मिक स्थल को कोई क्षति नहीं पहुंचाई गई है और निजी या पुलिस के वाहन जलाने की जो बात कहीं सामने आ रही थी वो पूर्णतः निराधार है। ना तो सरकारी ना ही कोई निजी वाहन को जलाया गया है। जो भी घटना हुई है दोनों पक्षों की ओर से FIR दर्ज की जा चुकी है, अनुसंधान जारी है। जो भी दोषी गण होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया TV क्राइम अलर्ट चैनल YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया TV क्राइम अलर्ट।